गाइस अभी आ रही है ट्रेन, एक्चुअली सारी गाड़ियां फाटा में रुकी हुई हैं और अभी आ रही है ट्रेन। वो आगे ट्रेन आ रही है, दिख रही है। स्पीड देख कितनी है अभी, ऐसे धीरे धीरे लग रही है तेरे को। अरे वो बाइक वाला किधर है, पीछे हट जा। सो हे गाइस, अभी हमने देखा मिसेस राजस्थान के लिए लड़कियां प्रैक्टिस कर रही थी। हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, पेट भरो सेशंस, और अब हम खाने आ रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो चलिए मैं आपको अपने बूफे में ले चलती हूँ। ये हमारा बूफे, और शायद मेरी फैमिली ने खाना खाना शुरू कर दिया। क्या? अच्छा, और यहाँ पे हो गया है शुरू खाना पीना। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अब हम निकलेंगे बीकानेर। ये है हमारा ओके गाइस, तो अभी हम नाश्ता करके निकल चुके हैं बीकानेर के लिए। और एक मिनट, तो गाइस आज हम जा रहे बीकानेर, उसके बाद जाएंगे काली मंदिर में। काली मंदिर में जाएंगे हम लोग, कौन से मंदिर होता हूँ, करनी माता ना, करनी माता जी के दर्शन करेंगे आज। उसके बाद हम लोग जाएंगे करनी माता, करनी माता के दर्शन करेंगे आज। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं करनी माता मंदिर जाऊं, और टचवुड कहां से देखो बना है भाग्य, आपको भी वो दर्शन दिखाऊंगी दर्शकों को। तो मिलते हैं आपको 4 घंटे के बाद बीकानेर पहुंच के। 4 घंटे ड्राइव। ये मेट्रो बन गई है क्या? अरे हाँ, मैंने मास्क निकाला था, फिर मैं बोल दे। ओके गाइस, तो आज हम बीकानेर से ऑन द वे जा रहे थे, तो रास्ते में हमको ये दिखी एक बावड़ी, काफ़ी पुराना बावड़ी है ये। मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी ऑफ लेटली भूत पुलिस की शूटिंग भी हुई थी। तो ये चलो गाइस अंदर आना, कितना अच्छा लग रहा है। एक मिनट, वही खड़े रहो, मैं फोटो ले। अरे सर, ये क्या जगह, ये बावड़ी है ना, इसको बावड़ी बावड़ी बहुत सारी राजस्थान में 6-7 बावड़ी है। पर ये क्या फेमस है, ये कोई जगह है? बावड़ी बोलते हैं, सूरज बावड़ी जी। मेन तो वो है, क्या बोलते हैं इसको, या तो इसके ऊपर लात रखो सब लोग, लेफ्ट लेग। इसका नाम है सूरज बावड़ी, और हम लोग बस ऑन द वे रास्ते में थे, फतेहपुर के पास है ये सूरज बावड़ी। तो अभी इन्हें फोटो आना मयंक, गाइज आई एम सो हैप्पी। वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाई, पर हम लोग जब वहाँ पे फोटो खींच रहे थे सूरज बावड़ी में, तो देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिला मोर पंख। मैंने
गर्मी से बहुत संभाल के रखा। मोर पंख मिला मुझे, मोर पंख। बेटी सोच रही है मैं पागल हो गई, बावड़ी हो गई मैं। मोर पंख। सो अभी हमने यहाँ हॉल्ट लिया है, ड्राइवर्स लोगों को थोड़ी चाय पीनी है और गांव वाला माहौल है। श्री लक्ष्मण लक्ष्मी रेस्टोरेंट के पास रुके हैं और हम लोग लेकर आए मूंगफली तोड़ के। दाल होती है, दाल वो क्या बोलते हैं, दाल मोठ, दाल मोठ। ये हमारे कुलदीप ड्राइवर है जो हमको बता रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरी 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 मूंगफली की खेती है। ओके, तो ऑसम टेस्टी कच्ची मूंगफली है। और अभी हमने लिया है एक ब्रेक। ये कौन सी जगह है अभी? ये गीता सर, किता सर। तो अभी हम रुके हैं किता सर में, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं और बच्चे थोड़े से स्नैक्स ले रहे हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जब हम चाय पहुँचेंगे बीकानेर। बीकानेर पहुँचने के लिए शायद एक दो घंटे बाकी हैं, बीच में हम एक ढाबे में रुकेंगे और फिर आपको अपडेट देंगे। तब तक हम चश्मा तो पहन लें, चश्मा पहन के ओही मुझे मेरी नजर। तो हम थोड़े से फ्रेशन अप हो गए हैं, अभी बस चाय ब्रेक ख़त्म हुआ है, अब हम निकल रहे हैं बीकानेर के लिए। ऑलरेडी लेट हो गए हैं पर इट्स ओके, थोड़ा सा वॉशरूम जाके आते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम हाईवे में, ये देखिए हाईवे, दूर दूर तक कोई नहीं। हाँ अभी हम हाईवे में रुके हैं, होटल शाही पैलेस में रुके हैं। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या खाना है, मिलते हैं आपको। सो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं कर दिए अच्छा वेज रेस्टोरेंट, लेकिन यमी खाना है, बहुत ही यम, स्पेशली द दही है। और मैंने मेरे लिए मंगाई है मीठी लस्सी, हाँ गुलाब जल डाला है। मेरे भाई बहन इन लोगों को लगा कि मैं फोटो ले रही हूँ और ये पोस्ट बना के बैठे थे, पर मैं ब्लॉग बना रही थी, ये इनको पक्की नहीं चल रहा। लेकिन लस्सी देखो, लस्सी देखो, लस्सी यम। होटल हिट करने की वजह हम लोग सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं अभी जूनागढ़ फोर्ट। बेटर है कि हम फोर्ट देख लें, नहीं तो क्योंकि एक बार अगर हम रूम में गए तो मुझे नहीं लगता हम वापस बाहर आने का मन भी करेगा, राइट है ना। तो इससे बेटर है कि केदार जी ने सही बोला है कि हम बेटर है कि फोर्ट घूम कर आएंगे और उसके बाद में आराम करेंगे और रात को हम जाएंगे करनी माता मंदिर। तो फिर रेस्ट करो, आराम करो और कल फिर निकलेंगे हम। तो अपडेट देती रहूंगी मैं आपको इसी तरह जब हम फोर्ट पहुंचेंगे। ओके, सी यू गाइस, बाय बच्चों, बाय बाय। सो गाइस, हम सब फैमिली पहुंच गए हैं जूनागढ़ फोर्ट में, ठीक है। तो अभी हमको तो रुकने को बोला है क्योंकि आधा ग्राउंड जब बाहर आएगा तब हम अंदर आएंगे। तो ये देखिए जूनागढ़, वीडियो उल्टा है, पर कितना बड़ा है यार उसका गेट, कितना बड़ा है उसका गेट। तो गाइस, हम एंटर कर रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट में और ये स्टेयर्स है, काफ़ी फिसले हैं, उन्होंने ये बनाया हुआ है।
कितने लोहे के एंट्रेंस में तो ऐसी थी। वही मैं बोल रही हूँ, कहीं तो दिखा दिखा लग रहा है। बाजीराव मस्तानी का सीन है। मुझे तो ना वो ये है जूनागढ़ पुल। रेडी बारीकी कलाकारी देखो फ्रेंड्स, इतना अच्छा कलाकारी, इतना अच्छा प्रोजेक्शन। सो गाइस आई थिंक सो ये राजा का दरबार होगा, तो सुपर है इसकी। अकबर की तलवार है किसकी? ये देख दोनों, राजू पदम सिंह की तलवार दे और अकबर की तलवार दे। ये है पदम सिंह जी की सोर। देखिए आप कितनी बड़ी और भारी है, मतलब सोचो कैसे उठाते हो, कैसे उठाते होंगे यार। So guys, ये है पेंटिंग्स, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया। ये है शूज, इसके ये हाथी दांत के महाराज गज सिंह जी की, महाराज गज सिंह के हाथी दांत खड़ा, वो क्या होता है, मतलब हाथी के दांत से चप्पल बनाई थी महाराज गज सिंह की, हाथी दांत ये खड़ा हुआ है। वाओ गाइस लुक एट द पेंटिंग, देखो यार राधा कृष्ण की। चलो आज
अरे ऊपर कारीगरी देखो, ये तो मुगलों का है ना, मुगलों का नहीं है। He was the painter in Mughal army, जिसका ये है। मैं भी पूरा उसको पढ़ के आया, उसका पूरा इतना बड़ा बोर्ड मिल गया। चलो सबसे पवित्र तुलसी होगी मेरे ख्याल से, ये राजाओं के टाइम की तुलसी होगी, तभी तो बंद है, नहीं तो क्या। चलो वीडियो हो गया, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, वही मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छी है वही। चल आ जाओ, ये देखो बग्गियां भी है, बग्गियां, चलो हम पहुंचे हैं करनी माता मंदिर। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि हम होटल जाके वापस आएंगे और फ्रेशन अप होके और दर्शन करेंगे, पर ऐसा हो गया कि मंदिर शायद 8 बजे बंद होगा और ये काफ़ी दूर था, जैसे कि हमारा 4 बजे ख़त्म हुआ, अभी 6 बज रहे हैं, तो हमने सोचा कि माइट एज वेल कि हम ये दर्शन कर ही लें। तो अब हम दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करके फिर सीधा हम होटल जाएंगे। तो अंदर अगर दर्शन करने के लिए फ़ोन अलाउ किया तो मैं आपको फिर माता के दर्शन भी कराऊंगी। जय माता दी।
हंसो मत ना मन। सो गाइस हमने माता करनी के दर्शन कर लिए और हमें ड्राइवर बोल रहा था कि जिसने सफ़ेद चूहे के दर्शन किए वो बहुत नसीब वाला होता है। तो हमारे तो दर्शन हो गए, हमें वाइट चूहा दिखा, पर जिससे पहले कि हम उसकी फ़ोटो खींच के आपको वो दर्शन कराते तो वहाँ पे चौकीदार ने हमें मना कर दिया। तो जय माँ करनी, बोला जय माता करनी की जय, पूरे मीना से वो ऐसे कर रहा है जैसे बात कर रहा है जैसे। हाँ चलो बस ऐसे ही मत था, देखो भैया हमारे दर्शन तो सक्सेसफुल हो गए। जाओ तुम भी, मैंने नहीं ध्यान दिया यार। सो गाइज हमारे दर्शन हो गए कंप्लीट और अब हम चल रहे हैं होटल की ओर। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, दिव्या रोने लग गई, उसको क्योंकि चूहे से डर है। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, अरे इसको छोड़ मत हाथ। दिव्या तो जोरदार रो रही है, दिव्या के दोनों दांत चूहे जैसे बाहर आ रहे हैं, रो रही है। तो अब चल रहे हैं हम अपने चप्पल लेने। तो दर्शन हमारे अच्छे सफल हो गए एंड आई एम रियली हैप्पी। कि पहले थोड़ा सा सैड हो गई थी क्योंकि रास्ते बंद थे और थोड़ी बहुत अड़चने आई, लेकिन फिर हमारे कुलदीप ड्राइवर ने कहा कि अभी तो हम जाएंगे जाएंगे, तो उनकी जिद और सोनू का रास्ता हमने शॉर्टकट रास्ता पकड़ के फाइनली आ गए। अब हम चल रहे हैं अपने होटल की ओर। सो सी यू एट होटल सागर पैलेस इन बीकानेर। हमारे करनी माता के दर्शन हो गए, जो मैं आपको पहले वीडियो से बोल रही थी कि मुझे ये दर्शन ज़रूरी ज़रूरी करना है, तो माता रानी ने दर्शन दे दिए। मैंने कोशिश की थी कि मैं आप सबको भी दर्शन कराऊं, पर पंडित जी ने बोला, किसी ने तो बोला कि कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, कैसा लगा दर्शन करके? सफल हो गए दर्शन। थैंक यू केदार जी, दर्शन सफल। अच्छा सफेद चूहा भी देखा हमने। यस फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल ट्रिप। यस मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बस दुआएं दो, अच्छे काम करो। लकी मी वन वन। यस प्लीज गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा हमको अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि 1 lakh likes प्लीज। अरे मैं तो उस दिन बेहोश हो जाऊंगी। मिलते हैं कल जब हम जैसलमेर की ओर चलेंगे। सी यू गाइस, या एम फॉर 1 lakh सब। तो दोस्तों मेरा तो हो गया चाय पीने का टाइम, और चाय भी नहीं मिल रही है और होटल भी नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं एक बार एक कप चाय का जाए। मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो हम अभी चेक इन करते हैं होटल सागर में। सब बाथरूम एक जैसे ही हैं। कौन कौन से रूम है? 103, 105, 106, 107। ओके गाइस, तो ये है होटल, ये रहा रूम। आज रात यहाँ स्टे करेंगे और फिर हम चलेंगे जैसलमेर। बच्चे बोल रहे हैं अंदर बैठना। ठीक है चलो आ जाओ, वो आगे टेबल है। ये आई मेरी मम्मी।
बोलो प्लीज शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब बोल अदि बोल ना प्लीज शेयर करें लाइक शेयर एंड लाइक और ये मत ये वीडियो बाय बाय गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द बेल आइकन सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय हाय गाइस सब्सक्राइब सबका फिर अलग अलग कटिंग कर लक्की मी 11 चैनल ऑल वीडियोस कम एंड डोंट फॉरगेट द चैनल आपको लाइक करना शेयर करना पूरी दोस्तों को बताना कि माँ का ब्लॉग एकदम बेटर है।